उत्तराखंड एसटीएफ एवं वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो और तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की संयुक्त टीम ने वन्य जीवों का शिकार कर उनका व्यवसाय करने वाले चार तस्करों को पकड़ा है। टीम ने इन तस्करों के पास से एक टाइगर की खाल व 15 किलो टाइगर की हड्डियां बरामद की है। टीम ने आरोपियों के विरुद्ध वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तराई पूर्वी वन विभाग के डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी टोल प्लाजा के पास में नेशनल हाईवे के पास कुछ लोग टाइगर की खाल लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर उत्तराखंड एसडीएफ एवं वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो और तराई पूर्वी वन प्रभाग हरिद्वानी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए टोल प्लाजा के पास से चार वन्य जीव तस्करों को पकड़ा। तस्करों के पास से टीम ने टाइगर की खाल व 15 किलो टाइगर की हड्डियां बरामद की। डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि इन तस्करों के नाम किशन कुमार, गजेंद्र सिंह, संजय कुमार, हरीश कुमार हैं और ये पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की संपूर्ण जांच की जाएगी। यहाँ पे हमें जो है सूचना मिली थी कि कुछ लोग टाइगर की स्किन लेके यहाँ से जा रहे हैं ट्रांजिट में, तो उसी क्रम में जो है एसटीएफ जो उत्तराखंड है और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है उनके साथ जो है एक संयुक्त जो है एक अभियान चलाया गया और इसमें टोल प्लाजा के पास जो है चार लोगों को धर लिया। ये बोलेरो वाहन में थे चार लोग और ये धारचूला के हैं और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो है इनके मतलब जो मौके पर से जो है इनके पास एक बाघ की खाल वो जो है बरामद हुई है और लगभग लगभग अराउंड 10 किलो 400 ग्राम जो है बाघ की हड्डियाँ वो बरामद हुई है। तो यही है कि इनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो है जो भी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।